हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे जो इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में गणित से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि गणित में सबसे छोटा बिंदु होता है उस पर कितने अंश का कोण बनता है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको बताना है कि एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है। तो दोस्तों, एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। दूसरा प्रश्न है कि एक समकोण का मान कितने अंश के बराबर होता है। तो ऑप्शन दिया गया है 0 अंश, 90 अंश, 30 अंश, 60 अंश। तो आपको बताना है कि इसमें से एक समकोण का मान कितना होता है। तो दोस्तों, एक समकोण का मान 90 अंश के बराबर होता है। तीसरा प्रश्न है, ऋज कोण का मान कितने अंश के बराबर होता है। एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, चार समकोण। तो दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों, एक ऋज कोण का मान दो समकोण माने 180 अंश के बराबर होता है। चौथा प्रश्न है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, चार समकोण। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कितना होगा। तो दोस्तों, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 अंश के बराबर होता है। पांचवा प्रश्न है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितने अंश के बराबर होता है। तो ऑप्शन दिया गया है, एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, चार समकोण। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश अर्थात चार समकोण के बराबर होता है। इस तरह से हम अगला पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। ऑप्शन दिया गया है, शून्य, अनंत, एक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। इसके बाद हम सातवां प्रश्न पढ़ेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो ऑप्शन दिया गया है, अनंत, एक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा अनंत, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। दोस्तों, इसके बाद आठवां प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, आपको बताना है कि शून्य है, कि एक है, कि अनंत है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है शून्य, जिसको हम जीरो कहते हैं। नौवां प्रश्न है दोस्तों कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, शून्य होगा, एक होगा, या अनंत होगा, या इनमें से कोई भी नहीं है। इस ऑप्शन में से कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है, क्योंकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को लिखी नहीं जा सकती। दोस्तों, दसवां प्रश्न है, सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या क्या है, आपको बताना है, जीरो है, कि एक है, कि माइनस एक है, कि अनंत है। तो आपको अब इसमें से चुन करके बताना है कि आपका कौन सा प्रश्न का जवाब होगा। तो दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो माइनस में अनंत होती है, इसलिए हम उसको नहीं लिख सकते। इसके बाद ग्यारहवां प्रश्न है, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या क्या है, आपको बताना है इनमें से।
माइनस एक है या अनंत है या शून्य है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों माइनस एक सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होती है। दोस्तों इसके बाद 12वां प्रश्न है, 3 में शून्य का गुणा किया गया है गुणे 5, अर्थात 3 गुणे शून्य गुणे 5 का मान क्या होगा? आपको बताना है कि 8 होगा या शून्य होगा या 15 होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, अगर किसी संख्या में शून्य से गुणा कर देते हैं तो उसका मान शून्य हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा शून्य। 13वां प्रश्न है कि 3 में अगर 1/3 का भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? देखिए लिखा गया है 3/1/3 का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया गया 1, 3, 9, इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा 9। एक अगला प्रश्न है दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप जानते होंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास, परिघ, जीवा या त्रिज्या। तो इसका उत्तर आपको बताना है, तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसको हम व्यास कहते हैं, व्यास। इसके बाद है 15वां प्रश्न, किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच कितने पूर्णांक होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 1 भी नहीं, कम से कम 1, अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पूर्णांकों के बीच में कोई पूर्णांक नहीं होता, दो क्रमागत पूर्णांक हैं, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच कोई भी पूर्णांक नहीं होता। इसी तरह से 16वां प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है तो वह त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? अधिक कोण होगा, समकोण होगा, न्यून कोण होगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि अगर इस तरह का अनुपात है तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। दोस्तों इसके बाद हम 17वां प्रश्न देखिए, लिखा गया है कि 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है? ऑप्शन दिया गया है 1/2, 1/3, दोनों बराबर हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 1/2। अगला प्रश्न है 18वां कि -3 और 0 में कौन बड़ा है? शून्य बड़ा है कि -3 बड़ा है कि दोनों बराबर हैं या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि सबसे इनमें जो संख्या बड़ी है वह शून्य है, शून्य 3 -3 से बड़ी है। 19वां प्रश्न है, -5 और -99 में कौन बड़ा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि -5 बड़ा है या -99 बड़ा है या इनमें कहा नहीं जा सकता या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि -5 बड़ा है 99 से। तो दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है कि -2 में से -5 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? -7, -10, +3, -3। तो दोस्तों आपको सोच करके बताना है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों +3। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।